दुनिया के तीन सबसे अच्छे एनिमल पेरेंट्स मई महीने के आसपास फीमेल पेंगुइन अंडा देती है, तो उसके पास इसे रखने के लिए घोंसले तो होते नहीं, इसलिए मेल पेंगुइन इसे अपने पैरों के ऊपर रखते हैं और बिना किसी भोजन के ऐसी कड़कती ठंड का सामना करते हैं। और दो महीने बाद जब चूजा अंडे से बाहर निकलता है तो पेंगुइन्स को 50 मील दूर जाकर खाना इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर चूजे का पेट भरता है। केल डियर बर्ड अमेरिका में पाए जाते हैं। वैसे तो उनके अंडे हूबहू चट्टानों की तरह दिखने के कारण शिकारियों से बचे रहते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई शिकारी घोंसले पर हमला करता है तो केल डियर बर्ड नकली चोट का नाटक करने लगती है और शिकारी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा करते करते शिकारी को घोंसले से दूर ले जाती है, उसके बाद अपने चूजे की रक्षा के लिए वापस उड़ जाती है। जन्म से बॉटल नोज डॉल्फिन के बच्चे कम से कम एक महीने तक नहीं सोते, नतीजन उनकी माँ जिन्हें पालने और उनकी रक्षा करनी होती है वे भी पहले एक महीने तक नहीं सोती। शोधकर्ताओं की माने उन्हें सांस लेने के लिए सतह पर लगातार जाना पड़ता है जिससे कि बच्चे के दिमाग का विकास हो सके, और लगातार तैरना और जागना माँ और उसके बच्चे को शिकारियों से बचाता भी है।